राकेश मेहरा जी ने न सिर्फ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जो आप सब जानते हैं कि हमने आपके साथ में किया था, उसके अलावा जो है राकेश मेहरा जी ने ये फिल्म मुंबई शहर में अगर सबसे पहले या इंडिया में सबसे पहले कुछ एक तीन चार लोगों ने देखी थी तो राकेश मेहरा साहब उस स्क्रीनिंग में थे, हमने इनके लिए किया था करूँगा इन द शैडोज़ के लिए, ज़्यादा बात मैं चाहूँगा कि यही करें। दीपेश हमारे एल ए के डायरेक्टर, हाँ हाँ, और फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग सुबह सुबह ही भूसान फिल्म फेस्टिवल से आए हैं, उस फिल्म की स्क्रीनिंग करके इट वॉज अमेजिंग, पैक्ड हाउस एंड सो मेनी शोज आर देयर, गुड रिव्यूज़ यू नो कमिंग आउट। सो ये एक फिल्म के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, खास करके एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए इन सब फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है उसको, उसके इनक्रेजमेंट मिलता है, उसको मेंटरशिप मिलती है, विच इज़ बिन क्वाइट हम्बलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आप मीडिया छोड़िए, आप मैं ही नहीं जानता, अभी तक हमने जितना भी देखा है मनोज भाई के लिए, मेरे को लग रहा है कि कुछ हमने 10-20% ही देखा है इनके कैलिबर का। अब आप जब इन द शैडोज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो जर्नी है इनकी एज एन एक्टर, वो एक तो होता है कि हम स्टेप्स लेके चलते हैं आगे, और आई थिंक ही इज फ्लाइंग राइट नाउ, ही इज़ इन फॉर्म एंड इन सबलाइन फॉर्म, जो कहते हैं कि अपने करियर के बेस्ट मुकाम से गुजर रहे हैं और इससे भी अच्छा होगा। और जब मैंने देखी इनकी पहली फिल्म है और ऐसा लगता नहीं पहली फिल्म है, और कहते हैं कि जब आप अपने आप से बेहतर हो जाए, आप यू आउट टू योर सेल्फ, ऐसी परफॉर्मेंस शायद, अब मैं ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस हमें सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बट वर्ल्ड सिनेमा में अगर आप देखने जाएं, और आज के युग से नहीं, इन द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, तो ये उन चुनिंदा परफॉर्मेंस में से गिनी जाएगी। थैंक यू। और देखिए एज एन एक्टर यू नो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर यू नो न्यू टेरिटरी, ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी चैलेंजिंग विच आई हैव नॉट डन बिफोर, बट यू नो कमिंग फ्रॉम राकेश मेहरा और माई डायरेक्टर दीपेश जैन, यू नो एवरी टाइम इट स्केयर्स मी सम टाइम दैट आई डोंट नो whether इट इज़ ओनली 20% और 200% आई हैव ऑलरेडी यू नो गिवन, बट येस दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इनकरेजिंग, दीज आर द वर्ड्स दे डोंट लेट मी स्लीप, दे डोंट लेट मी बी कॉम्प्लेसेंट, दे डोंट लेट मी रिलैक्स एट ऑल, आई मीन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आई थिंक आई विल डाई माई बूट्स ऑन विद दीज वर्ड्स। बहुत कमाल की फिल्म है, अच्छी, जब बन जाएगी फिल्म बागी टू तब हम आपको दिखाएंगे। कमर्शियल फिल्म बहुत साल की बात कर रहा हूँ। दीपेश जी एक्सेलेंट, लाइक आई कुड नॉट हैव आस्क्ड, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फॉर हिम एंड लकीली वी गॉट हिम, एंड एज मिस्टर मेहरा ऑल्सो सेड दैट आई शुडंट से बिकॉज इट्स माई फिल्म, लाइक इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, बट इट्स वेरी ट्रू परफॉर्मेंस टू वॉट द कैरेक्टर इज and very very different performance that Indian audience will see in terms of like an acting style and all that. It's truly international, bilkul international kisam ki acting hai, and I think like he has outdone himself and I don't take credit for that, it's all his doing.